कुछ बच्चे फास्ट कैलकुलेशन देखते हैं कि आप किस तरह से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड तेजी से कैसे कर सकते हैं। उसकी ट्रिक्स तो हमने देखी है कि आप इसको इस तरह से कर दीजिए, लेकिन ऐसे क्यों कर दीजिए, उसकी वजह क्या है, तो उस ट्रिक के अंदर भी क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए आज उसको देखते हैं, कुछ मल्टीप्लीकेशंस लेते हैं और कुछ डिविजन्स लेते हैं, तो शायद आप आगे अपने कैलकुलेशंस में उसका यूज कर पाए। देखिए, जैसा मैं आपसे कहूँ, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में हम बहुत इजी पहले स्टार्ट करते हैं कि आपसे कहा जाए कि ये है हमारे पास 13y, ठीक है। आपसे कह दिया जाए, पहले इजी ले लेते हैं फिर उसको थोड़ा सा मुश्किल करते हैं। आपसे कहा जाए जैसे कि 7/25 को आप डेसिमल में करिए या इसको डिवाइड करिए, 7/25 क्या आएगा। बहुत इजीली आप इसको लिख सकते हैं 0.28, ये मैं। अब आप कहेंगे सर ये कैसे आया, तो मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि ट्रिक तो है, मैं लिख दूँ, लेकिन होता क्यों है, ऐसा ही क्यों है, इसका रीजन क्या है। तो इसकी ट्रिक सीख लीजिए और फिर शायद आप जितने भी क्वेश्चन इस तरह के हों उसको बहुत इजीली कर सकें। होता क्या है, जैसे अगर आपके पास कोई नंबर ऐसे है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर आप नीचे किसी भी तरीके से 10, 100, 1000, 10 की पावर्स कर दें, जिससे कि आप ऊपर डेसिमल लगा सकें, तो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो आपको पता है 2 को 10 करने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स में भागना नहीं होना चाहिए, मैं आप वीडियोस में देखते होंगे, सुकून होना चाहिए इत्मीनान से। आपको लगे कि आपने इस 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में ये लाइफ टाइम कोई चीज सीखी है कि हाँ अब ये मेरे जहन में रहे। तो 5/10 को आप 0.5 कह सकते हैं। 1/5 अगर है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये रूल है बेसिकली, एक तरह से कहा जाए कि आप कैसे नीचे 10 कर सकते हैं, तो ये 0.2 आ जाए। तो अगर हमारे पास नीचे जो नंबर है डेनोमिनेटर, बहुत सारे बच्चे 10th वाले, डिप्लोमा वाले, LLB FBA वाले जो बच्चे हैं, वो उसके लिए भी यही है कि अगर नीचे जो हमारे पास डेनोमिनेटर है फ्रैक्शन, अगर उसका फैक्टर सिर्फ 2 है या उसका फैक्टर सिर्फ 5 है या सिर्फ दोनों हैं, तो आप उसे इजीली डिवाइड कर सकते हैं 10 या 10 की पावर्स में बना के। जैसे मैं आपसे कहूँ हमारे पास क्या, हम एक और ले लेते हैं, सपोज करो हमने आपसे कहा 7/20, तो 7/20 में आप देखेंगे यहाँ 2 भी है और 5 भी है। असल में हमें 10 बनाना है, ध्यान रखना 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर होगा, ठीक है, तो फिर आप उसे 10 नहीं बना पाओगे। मतलब मान लीजिए 3 है अगर उसमें या 7 है उसमें, तो आप अगर देखेंगे तो फिर आप उसको 10 नहीं बना सकते। 3 को आप किसी से मल्टीप्लाई करिए 10 नहीं बना पाएंगे, 7 किसी से भी करिए 10 नहीं बना पाएंगे, सिर्फ आप 2 और 5 वाले को ही 10 बना पाते हैं। तो जैसा हमने यहाँ एक क्वेश्चन किया 7/20, और 7/20 में ये आपके पास आ गया 2 की पावर 2 और 5, आपको करना है 10। 10 तब होगा जब 2 और 5 उतने ही नंबर्स में हो, दोनों सेम नंबर्स में हो। जैसे यहाँ जो है 2 तो 2 टाइम आ रहा है, लेकिन 5 जो है 1 टाइम आ रहा है, तो ये तो बात नहीं हुई सही। 5 को भी 2 टाइम आना पड़ेगा तब ये 10 होगा। तो इसका इजी वे ये है बच्चे कि आप क्या करेंगे, पहले सीख रहे हैं फिर ये आप बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने लगेंगे। तो आपने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, मैथ्स है एक तरफ नहीं कर सकते, तो 5 से ही डिवाइड भी कर दीजिए, ऊपर आपके पास आ जाएगा 35, और नीचे अगर आप देखेंगे ये आ जाएगा 10 की पावर 2 यानी कि 100। तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं 0.35। जैसे मैंने एक क्वेश्चन अभी दिया था कि भाई 7/25 क्या है, तो अगर हम फास्ट की बात करें, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 100 कर सकते हैं, तो 7 4 जब 28, नीचे अगर 100 आ गया तो 2 0 आ गई, तो 2 डेसिमल प्लेस लग जाएंगे। इस तरह से हमारे पास हम क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ थोड़ा सा मुश्किल कर दूँ,
कि सर ये है 13/625। अब बताओ सर आप इसे कैसे डिवाइड करोगे? 625 से डिवाइड करना अपने आप में 3 डिजिट से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बढ़िया क्या है, आप इसको ये देख लो, इतना तो आप कम से कम समझ ही सकते हैं कि ये जो है 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, हमने आपसे कहा 10 की पावर्स, तो आपको 10 नहीं समझ में आ रहा, आप 100 भी कर सकते हो। तो 25 का स्क्वायर है, इसको मैं 100 का स्क्वायर कैसे करूँ? अगर मैं इसको 4 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो 25 4 या 100 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कहने का ये भी है, अगर मैं आपसे इसको ऐसे कहूं कि यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 4 आ रहा है, 625 जो होता है ना, तो आपको 2 की पावर 4 चाहिएगा मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए, तो ऊपर भी 4 की पावर 2 चाहिए, तो तब ये 100 बनेगा, या नीचे 10 की पावर 4 बनेगा। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए कितना इजी कर सकते हैं, 13 × 16/100^2, यानी कि आपके पास हो गया 100^2 का मतलब 4 जीरो। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 × 6 = 78, 13 × 13 = 7 = 20, और आपको लगाने हैं फोर प्लेस, तो यहाँ आपके पास डेसिमल आ जाएगा, तो आंसर होगा 0.020। अगर डिवीजन की बात करते हैं तो इस तरह से, अब इसी तरीके से अगर हम बात करें, आपसे कभी कभी कह देता है ये मल्टीप्लाई कह रहा है, मान लीजिए 15 × सपोज करो, आपसे मैं कह दूँ 24, बहुत सिंपल प्रोडक्ट की बात करें, सर 15 × 24 को आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? एक तो यही है, 2 डिजिट है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता, आप 2 डिजिट को भी 1 डिजिट से कर सकते हैं। मैं आपसे कहूँ 15 × 4 = 60, 15 × 2 = 30 and 6 = 360, तो बात तो यही है कि हम कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अगर आप दिमाग से मतलब स्ट्रांग हैं और आप बहुत अच्छी टेबल्स अगर आपके पास हैं तो वैसे तो मे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको एक तरीका ये होता है कि क्या आपके पास कोई नंबर ऐसा है जो प्रोडक्ट में दिया हुआ है, ये जो आपके पास नंबर्स हैं, क्या आपके पास ऐसा है जिसको आप इजी कर सकें, सिंपल कर सकें? सिंपल का मतलब क्या है, क्या मैं 50 को 30/2 लिख सकता हूँ? मतलब कोई एक नंबर को आप थोड़ा स्मॉल कर लें, इजी कर लें, तो 15 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल है, 3 से मल्टीप्लाई करना इजी है, जीरो तो हम लगा ही लेंगे, तो यहाँ हो गया आपके पास 24। अब अगर आप इसको भी देखें तो ये मजेदार हो जाएगा, 12 × 3 = 36, 360। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चंस को अपने प्रोडक्ट रख सकते हैं। जैसा मैं आपसे अभी कहूं कि भाई हमारे पास क्या है, अब आप समझ लेंगे शायद इसको, 25 × सपोज करो हमने ले लिया, ठीक है 45 मान लीजिए ये ले लेते, ठीक। अब अगर इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ठीक, यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अगर हम बात कर रहे हैं तो डिवाइड हमारे पास 50/2 डेसिमल्स में आ जाएगा, थोड़ा सा अगर हम करेंगे 45, 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 जा थोड़ा सा लग रहा है मुश्किल क्योंकि हमने वो ले लिया, तो 5 × 5 = 25, 2 × 22, 2 × 2 = 50/2, तो ये हो जाएगा 1, 1, 2, 5। तो ये हमारे पास इस तरह से हम कर सकते हैं कि किसी भी नंबर को अगर हम ईजी कर सकें, ठीक है। आप चाहें तो इसको 100/4 भी लिख सकते हैं, 25 × 100/4 × 45, तो ये हो जाता 4500/4, तो 4 × 4 = 4, 4 × 4 = 4, तो ये हो जाएगा 10, 4 × 2 = 2, 4 × 5 = 4, तो ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो कुछ नंबर्स आपके पास ऐसे हो सकते हैं जिनको आप स्मॉल कर लें, ठीक है। जैसा अगर हम बात करें अभी हमारे पास कोई नंबर आपके पास आ जाए, ब्रेक तो कर ही सकते हैं आप, अगर थोड़ा सा इस तरह से भी आप ले सकते हैं, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 57 × 105, ये भी आपके पास है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 57 × 100 + 5, ये भी एक तरीका होता है कि 5700 हमारे पास एक आ जाएगा और 5 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक और आ जाएगा, तो 5700। एक तरीका ये भी होता है कि आपको कॉर्नर में जो आप कैलकुलेशंस करते हैं उसकी जरूरत ना पड़े। ये कैलकुलेशंस का हिस्सा है, बट कि हैं वही कॉन्सेप्चुअल ट्रिक्स जो हैं, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ये वही चीज है कि आप अपने नंबर्स को कैसे आप ब्रेक कर सकते हो। कोशिश करेंगे,
अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे 50/48 तो कितना इजी है। अगर हम इसको 50/48 करें तो शायद अब आप सोच सकते हैं 100/2/48 तो ये हो जाएगा 24, तो सिंपल 2400। तो कोशिश करिए चीज़ों को, जब भी आप कोई कैलकुलेशन लें, जब भी कोई आप क्वेश्चन देखें, तो आप चीज़ों को समझें कि ये हो क्यों रहा है, ऐसे ही क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जब इतना दिमाग चलाएंगे तो उम्मीद ये है कि आप उसकी डेप्थ में जाएंगे और फिर वो आपके साथ परमानेंट रहेगा। अच्छी बात ये होगी कि फिर वो जो आपके साथ होगा, वो जो आपकी नॉलेज रहेगी, वो फुल टाइम परमानेंट आपके साथ रहेगा। तो कभी भी कैलकुलेशन देखें, ट्रिक्स देखें, तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश करें। उम्मीद ये है कि इन चीज़ों से आपको समझ में आएगा। करें कोशिश मैथ्स को बहुत ईजीली करने की कोशिश करें। बहुत मज़ेदार चीज़ है मैथ्स। सारी सब्जेक्ट्स जो हैं, सारी कुछ भी ले लीजिए, बदल रहा है। लैंग्वेजेस हम कहें सब बदल गई हैं, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, अरबी, फारसी सब बदल गई हैं। अगर आप देखें अब तो हम इंग्लिश को हिंदी के उसमें लिखते हैं और हिंदी को इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में लिख रहे हैं व्हाट्सएप पे जब आप कर रहे हो, और आपकी साइंस तो हमेशा चेंज हो रही है। ओनली मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी चेंज नहीं हो।